जामुन ये बहुत ही कम समय के लिए मार्केट में आते हैं, और जब आते हैं तो इनसे ये टेस्टी सा शरबत तो बनाना बनता ही है। तो चलिए आज बनाते हैं ये काला खट्टा जामुन का शरबत। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 500 ग्राम जामुन, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया है। और इसके बाद डाल देंगे 2 लीटर पानी और साथ में 1/4 कप चीनी और 1 चम्मच जीरा, जिसे मैंने पहले भून लिया था। और फिर डाल देंगे 1 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नॉर्मल नमक आपके स्वाद के अनुसार। तो बस इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लें और इस पानी में उबाल आने दें। वैसे तो जब ये पानी गर्म हो जाए और आप देखें कि जामुन हल्के हल्के से नरम पड़ गए हैं, तो फिर इन जामुन को मैश कर लें। लेकिन मैश करते वक्त ये ध्यान रखें कि जो जामुन के बीज हैं वो क्रश ना हो जाएं, क्योंकि अगर वो क्रश हो गए तो वो आपके शरबत को कड़वा कर देंगे। तो बस हल्के हाथों से जितना हो सके जामुन का उतना पल्प अलग कर लें, और फिर इन्हें कम से कम आधे घंटे के लिए मध्यम आंच पर उबलने दें, जिससे कि जामुन का सारा पल्प और सारा फ्लेवर पानी में आ जाए। तो जब आधा घंटा हो जाए इसे उबलते हुए, तो फिर इसे एक छलनी में पलट दें। अभी भी हमारे पल्प में काफी सारा जूस बचा होगा, तो बस इसे भी हल्के हल्के हाथों से मैश कर लें, ताकि सारा का सारा जूस हमारा छलनी से निकलकर बाउल में चला जाए। फिर इसमें डाल दें 1/4 कप नींबू का रस और अच्छे से मिक्स कर दें। अब इस ड्रिंक को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। वैसे इस स्टेज पे आप इसकी सीजनिंग को चेक कर सकते हैं कि इसमें नमक, काली मिर्च, मिठास बराबर है कि नहीं, और अगर नहीं हो तो अभी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस जैसे ही ये पूरा ठंडा हो जाए तो बारी आती है परोसने की। तो 1 गिलास में बर्फ, नींबू का व्हील, पुदीना के पत्ते और ये शरबत डाल दें, और फिर इसे सजा दें नींबू के व्हील और पुदीना के पत्ते के साथ। तो बन गया हमारा काला खट्टा शरबत। इस शरबत को आप एक साफ सी बॉटल में 1 से 2 हफ्ते के लिए भरकर रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।